लेकिन जब से इस देश में 10 साल में हमने देखा है बीजेपी का शासन जहां जहां है या बीजेपी की पुरस्कृत शासन है, जैसे महाराष्ट्र में, वहां लोकतंत्र का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई वजूद नहीं रहा। अब जिस विधायक का आप नाम ले रहे हो वो तो सत्ताधारी पार्टी का है एक विधायक, और दूसरा विधायक जो है जितेंद्र आवाज वो विपक्ष का है, दोनों के ऊपर हमले होते हैं। तो कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? कहाँ है पुलिस? कहाँ इंटेलिजेंस है? ऐसी बहुत सी बातें इस राज्य में चल रही है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र की जो पहचान है देश में वो कानून व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र पहचाना जाता था, कि अगर बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, पुणे में है। लेकिन 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं, उद्धव जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कानून व्यवस्था ठीक रही, लोगों को जो दंगे भड़काने वाले या इस प्रकार से काम करने वालों को बहुत कंट्रोल किया था, नेतृत्व था महाराष्ट्र को, लीडरशिप। अब सत्ता पर कोई नियम बाह्य व्यक्ति बिठाया है संविधान के खिलाफ जाकर, वो तो गुंडागर्दी करेगा और गुंडागर्दी का समर्थन करेगा। आपने लोकसभा चुनाव में देखा है, उससे पहले भी देखा है, जोर जबरदस्ती यही उनका कानून है और जोर जबरदस्ती से यहां राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जिस प्रकार से दाऊद एक जमाने में मुंबई का अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा था, उस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र की सत्ता और ये सब जो चल रहा है ना, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, गुजरात से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए हम सब उसी कीमत भुगत रहे हैं।